ये क्वेश्चन परसेंटेज पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। एक पॉपुलेशन की टर्म 2020 में हमें गिवन है 1 लाख। पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई बाय वाई परसेंट 2020 से 21 में आने में, और फिर इंक्रीज हो गई बाय एक्स परसेंट 2021 से 22 में आने में। एक्स और वाई नेचुरल नंबर्स हैं। इट इज गिवन कि जो 2022 की पॉपुलेशन है वाज ग्रेटर देन द पॉपुलेशन इन 2020 एंड द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज 10। दैट मींस अगर हमने इसको वाई परसेंट रिड्यूस किया है तो एक्स को हमने वाई प्लस 10% का इंक्रीज किया होगा। ओके, देन द लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन 2021 वाज, दैट मींस ये रिड्यूस होने के बाद पॉपुलेशन क्या होगा। अगर हम वेरिएबल में इस क्वेश्चन को डील करेंगे तो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। सबसे अच्छा तरीका होता है हम ऑप्शंस के थ्रू ट्राई करें। मान लीजिए शुरुआत में पॉपुलेशन थी 1 लाख, यहां पर हमें गिवन है। नाउ क्योंकि लोएस्ट वैल्यू हमें पूछी गई है तो हम सबसे कम वैल्यू से शुरुआत करेंगे। 72,000 आने का मतलब है यहां पर 28% का रिडक्शन हुआ। हम बस ये देखना चाहते हैं कि अगर हम इसे 38% इंक्रीज कर दें तो क्या जो नई वैल्यू आएगी वो 1 लाख से बड़ी है या नहीं। नाउ 72,000 का 38% निकालने में बड़ा आसान है, हम एक काम करें 40% निकालें और उसमें से 2% सब्ट्रैक्ट कर दें। इसका 10% होगा 7,200। तो 40% कितना होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 28,800 माइनस 2%, 1% 720 तो 2% 1440। नाउ 100 माइनस 40 ये तो हो गया है 60, 7 माइनस 4 ये हो गया है 3, और 28 माइनस 1 27। सो यहां पर इंक्रीज हो रहा है 27,360 का। पर ये ऐड करने पर जो वैल्यू आएगी वो किसी भी हालत में 1 लाख से ज्यादा नहीं होगी, तो फोर्थ ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं होगा। लेट अस ट्राई विद द थर्ड ऑप्शन। क्या हो अगर ये 73,000 हो जाए, तो हम ये कहेंगे कि यहां रिडक्शन हुआ है कितने परसेंट का, 27% का। अब हमें इंक्रीज चाहिए 37% का। 37% अगेन हम कैसे निकालेंगे, 40% माइनस 3%। बट यहां पर वैल्यूज थोड़ी सी चेंज हो गई है। इसका 10% है 7300, 40% निकालने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 29,200 माइनस 3%। 1% कितना है, 730, तो 3% होगा 2190। अगर हम 2190 को 29,200 में से सब्ट्रैक्ट करें, 100 माइनस 90 ये तो हो गया है 10। नाउ यहाँ 2 की जगह 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 ये हो गया 0, एंड देन 29 माइनस 2 27। अगर हम इस 27,010 को इसमें ऐड करते हैं तो डेफिनेटली हमारी जो वैल्यू है वो 1 लाख को क्रॉस कर जाएगी। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा।